नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज 12 जनवरी 2023 के जो है हम लोग सबसे पहले गोल्ड के प्राइजेस समझ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि गोल्ड के प्राइजेस आगे चल के क्या हो सकते हैं, क्या बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, या गोल्ड के प्राइजेस से रिलेटेड क्या न्यूज जो है मार्केट में है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे 24 कैरेट 999 का जो गोल्ड है इसकी जो प्राइजेस है 56,100 रुपीज है। इसके बाद में 24 कैरेट 995 की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्राइस जो है 55,880 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग 23 कैरेट 958 गोल्ड की बात करें तो इसका जो प्राइस है 53,760 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें 22 कैरेट 916 हॉलमार्क गोल्ड की तो इसके जो प्राइसेस है 51,420 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें 20 कैरेट 833 गोल्ड की तो इसके जो प्राइसेस है 46,760 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें 18 कैरेट 750 हॉलमार्क गोल्ड की तो इसके जो प्राइसेस है 42,080 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों 14 कैरेट 583 की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्राइसेस है 32,730 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिल्वर 999 की तो इसके जो प्राइसेस है पर 1 kg के लिए 67,820 रुपीज है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग डॉलर वर्सेस रुपीज की बात करें तो हमारा रुपया थोड़ा जो है मजबूत होते हुए हम लोगों को दिख रहा है। तो रुपीज वर्सेस डॉलर का जो प्राइसेस है वो है 81.6861 रुपीज जो है हम लोगों को पे करना पड़ रहा है एक डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि 2-3 दिन पहले जो था 82 के ऊपर चल रहा था। इसके बाद में दोस्तों ये जो प्राइसेस है इंडिकेटिव प्राइसेस है, इसमें जो है जीएसटी शामिल नहीं है, तो आपके एरिया के प्राइसेस थोड़े बहुत कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इसी के आसपास रहने की संभावना है। अगर आपको आपके एरिया के गोल्ड के प्राइसेस जानने हैं तो मैंने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है आपका एरिया का जो मेन सिटी है वो इसमें ना दिखे, लेकिन जो भी आपके आसपास जो मेन सिटी पड़ती है वहां के प्राइसेस जो है आप लोग अपने एरिया के जो प्राइसेस है उसको कंसीडर करके रख सकते हो। इसके बाद में कुछ और सिटीज के भी यहाँ पे मैंने जो है गोल्ड के प्राइसेस मेंशन कर दिए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि गोल्ड से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण न्यूज मार्केट में है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है हम लोगों को थोड़े स्टेडी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है, यूएस जो है जो अपने इंटरेस्ट रेट है उसमें जो है थोड़ी सी कमी लाने की कोशिश कर सकता है। कमी इन द सेंस जिस तरीके से जो है फेडरल रिजर्व जो है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था और जिस स्पीड से बढ़ा रहा था उस स्पीड में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि गोल्ड के प्राइजेस अभी स्टेडी है, लेकिन अमेरिका में जो गोल्ड के प्राइजेस है वो 8 मंथ के हाईएस्ट स्तर पे पहुंच गए हैं। लेकिन आप लोगों को इंडिया में जो है गोल्ड के प्राइजेस स्टेबल दिख रहे होंगे, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि डॉलर के मुकाबले जो है रुपीज थोड़ा सा मजबूत होया है और डॉलर जो है थोड़ा सा कमजोर हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यूएस के जो सेंट्रल बैंक है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे अगर इन्फ्लेशन को उनको रोकना है तो आगे चल के जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस और थोड़े से ज्यादा हो। लेकिन अगर हमारा रुपया जो है मजबूती दिखाता है तो हम लोगों को जो गोल्ड के प्राइसेस है वो स्टेबल दिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, उसके बाद में इकोनॉमी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है थोड़े से बढ़ सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये तो हुए कुछ कारण जिसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज हमेशा लगती होगी कि ये क्या होता है कि कभी इन्फ्लेशन की बात होती है कभी फिर उसके बाद में जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है यूएस की फेड से जोड़े जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो गोल्ड को कैसे इंपैक्ट करती है। तो दोस्तों आप लोगों को तब तक क्या करना है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है गोल्ड बाई करके रखिए और मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों को गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो है वो देने वाला हूँ। और दोस्तों जितने लोग वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 10 या 12% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।